लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रामपुर में भी पुलिस की पैनी नजर के चलते एक व्यक्ति को अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री सहित दबोच लिया गया है। पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमंचे बरामद किए हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर रामपुर पुलिस के द्वारा जो अपराधी हैं या आपराधिक कृत्यों में लिप्त व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है। इसी के तहत सूचना के आधार पर सिंगनखेड़ा के जंगल में थाना अजीम नगर में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें लगभग 15 असले हैं, एक राइफल है, उनके बनाने के उपकरण हैं। एक अभियुक्त पकड़ा गया है, दो अभियुक्त भागने में सफल रहे हैं। पुलिस के द्वारा इस जो असला फैक्ट्री है अवैध, उसका भंडाफोड़ किया है और एक बड़ी रिकवरी है जो आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। सर, ये जो असला पकड़ा है ये कहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे थे चुनाव का है? अभी इन्होंने बताया कि ये काफ़ी सप्लाई कर चुके थे और अभी कुछ एक सप्लाई करने वाले थे। ये आगामी चुनाव के मद्देनज़र पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान जो चलाया गया था उसी के तहत ये अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी गई। सर, ये रामपुर में सप्लाई करना चाह रहा था या कहीं और भी? इन्होंने बताया कि इनके पास में जो सप्लाई थी वो इंटर स्टेट थी, ये कुछ उत्तराखंड में भी सप्लाई करते थे, अन्य जनपदों में भी इनके द्वारा सप्लाई करने का मंसूबा था, लेकिन पुलिस ने इसको ध्वस्त कर दिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा इस पर सप्लाई नहीं कर पाए। सर, ये कितने का बेचते थे? इनका जो कहना है कि लगभग 7,000 से 8,000 रुपये का एक तमंचा ये बेचते थे। राइफल की कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार। सर, इस गैंग में टोटल कितने लोग थे, कुछ फरार भी हैं क्या? जो अभी तक हमारे संज्ञान में आया है, इन्वेस्टिगेशन जो चीज निकल के आई है, ये तीन लोग थे जो दराती और चम्मच बनाने का कारखाना चलाते थे, इसकी आड़ में अवैध असला फैक्ट्री ये चला रहे थे। फैक्ट्री कहाँ चल रही थी? ये सिगनखेड़ा के जंगल में चल रही है।